थाली बजा के भगवान के सामने हंसने छोड़ा था। कहते हैं जो वृंदावन में हंसे घर परिवार में आए। हाँ हमारी टैगलाइन लिख ली, कॉपी कर लिया हमको, कॉपी कर लिया बिल्कुल। अभी दूसरा दिन शुरू हो चुका है और हम नहा के रेडी हो चुके हैं। वैसे मुझे बहुत तेज नींद आ रही है लेकिन अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम यहाँ पर माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंदिर है माता दुर्गा की, शिला वाली माता की। तो आज हम सब लोग जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी के मंदिर। देखा ना शिला वाली बोल दरबार की जय। वैसे हम सब रिलीजन जो है जितने भी रिलीजन है हिंदुस्तान में या अक्रॉस द वर्ल्ड हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट हम जो फॉलो करते हैं हम अपने बारे में वो बता रहे हैं। हम अपना रिलीजन के बारे में बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी दूसरे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, हम सारे रिलीजन जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और बट अब हम साथ में मिलके घूमने जा रहे हैं और इतनी सुंदर मूर्ति है ना, मतलब शेरवाली माता की इतनी सुंदर मूर्ति हम आपको दिखाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम वो 4-5 फ्लोर की हाइट तो होगी उसकी, क्या लगता है कितनी होगी? ज्यादा होगी, मतलब 60-70 फुट के, मतलब जो घर बने होते हैं 5-6 फ्लोर 7-8 फ्लोर की हाइट होगी। मतलब तो आज जो है स्पेशल अरेंजमेंट किया है मीनाक्षी के पापा ने हमारा वहाँ जाने के लिए। क्या अरेंजमेंट किया है भाई? मतलब मजा के अच्छे से पूजा हो जाएगी, अच्छे से पूजा हो जाएगी। पंडित जी पूछेंगे हमको, साथ भी देंगे, डबल डबल 2 लड्डू खाऊंगा मैं। मूर्ति है पति देव, देखो अपनी तरह खींचे मूर्ति माता की हमें। ये देखिए इतनी बड़ी मूर्ति है, वाव ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है ना। हाँ। अच्छा अभी अंदर जो है ना मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल हमें अनफॉर्चुनेटली गाड़ी में रख के जाना पड़ेगा। हम आपको आके बताएंगे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। A few moments later. माता वैष्णो देवी मंदिर से हम आ चुके हैं। वहाँ पे जो गुफा थी ना वो गुफा इतनी अच्छी थी, वहाँ पे 9 माताओं के दर्शन भी हो गए जो हम नवरात्रि में 9 माताओं की पूजा करते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर था। और माता की पतिदेव कितनी लंबी मूर्ति थी वो? 150। अच्छा हाँ मैं सोच रहा था 30-40 फुट, मीटर नहीं फुट, 30-40 फुट की होगी, मतलब 3-4 फ्लोर की होगी। 150 मतलब अगर 10 फुट की अगर हम एक हाइट लेते हैं एक फ्लोर की या 12 फुट की लेते हैं तो मतलब तकरीबन 15 फ्लोर लंबी। नाइस। मेरे को ना एक कमेंट आया कि राहुल भाई आप एक ही टी शर्ट ब्लॉगिंग क्यों करते हो? ले भाई मैंने टी शर्ट चेंज कर ली, अब दूसरी पहन ली है मैंने ग्रीन कलर की। सॉरी यार तेरे को अगर बुरा लगा हो तो देख, मैं तेरे को हर्ट नहीं करना चाहता, दिल से बुरा लगता है तो उस दिल से तो मैंने टी शर्ट चेंज कर ली है। अब नहीं बोल सकता कि भाई मैं सेफ टी शर्ट ब्लॉगिंग करता हूँ। ऑटो के पीछे लिखा है जग्गी मोटर्स, एक बार मुस्कुरा। एक बार मुस्कुरा दीजिए, मैं दो। हाँ दो, हाँ हमारी टैगलाइन लिख ली, कॉपी कर लिया हमको, कॉपी कर लिया बिल्कुल। तो ये हमारा सब्सक्राइबर है भाई। मथुरा वृंदावन में अगर आपने कोई देसी चीज नहीं खाई तो बेकार है। आज देसी चीज का नाश्ता कर रहे हैं, देसी चीज में कचौड़ी, भेड़वी पूड़ी, जलेबी, इस तरीके की चीजें खा रहे हैं ना, तो एक फील आता है कि हाँ भाई आप कहीं दूसरी जगह आए हो। वरना नॉर्मल चीजें, नॉर्मल खाना तो हर जगह मिलता है। वो लिया है कचौड़ी, सब्जी, पूड़ी, सब्जी और ढोकला। अभी जलेबी आ रही है। ओके मम्मी, आपको ठंड लग रही है? बाल उड़ रहे हैं। बाल उड़ रहे हैं? अच्छा तेरे नहीं उड़ रहे बाल? ओए होए फोटो अच्छी आती है इससे? और वीडियो कुछ भी। ये लड़की बादाम मिल्क की इतनी दीवानी है, खुशी देखो उसके चेहरे पे, बादाम मिल्क पी के क्या खुशी आती है इसको। ऐसी क्या खुशी आती है आपके, ऐसे क्या है कि जो आप इतना पसंद करते हैं इसको, बताइए। इसमें केसर डलता है ना, ये रसमलाई ना, रसमलाई दूध होता है, मेरे को शुरू से आता है, दूध पीती हूँ, रसमलाई फिर भी इतनी नहीं खाती। अच्छा बिल्कुल जैसे रसमलाई का दूध होता है ना वैसा है, फुल क्रीम वाला दूध और उसमें केसर और मीठा। वाह मजा आया। अभी हम लोगों ने पैकिंग कर ली है, पैकिंग पति देव 5 मिनट में हो गई हमारी, देखा आपने? आधा घंटा लग गया, झूठ बोल रही है। पैकिंग हो चुकी है, अब हम निकल रहे हैं अपने रूम से दिल्ली के लिए। अभी बीच में अगर हमें टाइम मिलता है ये कोई मंदिर खुला होता है तो मंदिर भी ढूंढेंगे नहीं मतलब मंदिर जाएंगे सॉरी। जितने भी मंदिर गए थे अभी तक वो सारा प्रसाद हमने इन दोनों पॉलिथीन में रख लिया है। एक मिनट कैश ने भी ऐसा बोला कि हमने पैकिंग कर ली है, पैकिंग हाँ। मैंने करी है, ये सो रही थी ऐसे घोड़े बेच के। अच्छा मैं कहाँ सोती थी? तूने ये सारी पैकिंग मैंने करी है? आप भड़काओ मत ऑडियंस को, सारी पैकिंग मैंने करी है, ठीक है। देखो भाई ऐसा होता है, सारे पति जो होते हैं ना वो ऐसे मजबूर होते हैं और सारा काम उनको करना पड़ता है, लेकिन क्या करें भाई अब शादी कर लिए तो काम करना पड़ेगा। देख ही रहे हो आप, देख ही रहे हो कौन कितना काम कर रहा है, देख ही रहे हो।
मम्मी पापा चले हम प्रस्थान करें दिल्ली के लिए। चलो भाई चलो। आज का सत्संग कौन करेगा पहले? कल मैंने सीखा था उससे जो ये बेच रहा था और मात्र 20 रुपए का दिया बंदे ने मेरे को, 20 रुपीज मैंने बिल्कुल बार्गेन नहीं करी, उसने कहा 20 मिनट में ले लो प्लीज। नहीं करी आपने? नो। ये कैसे हो गया यार, अब 20 रुपए में क्या बार्गेन कर रहा। हम आ चुके हैं साउथ इंडियन टेंपल है, रंगजी महल, और काफी अच्छा टेंपल है। यहाँ पर हमें बाय चांस वही वाला गाइड मिल गया जो हमें लास्ट टाइम गाइड मिला था। ये खुश हो गई, ये बोल भी रही थी कि वही वाला गाइड मिल जाए तो मिल गया। अभी पापा मम्मी के साथ हम घूम रहे हैं, अभी मैं टेंपल आपको दिखाता हूँ। और बीच में ना वो ताली वाला यही तो बताया था उसने हंसने वाला, अभी अभी बहुत ना फनी एक्ट करता है वो, ताली बजा के हंसाएगा, वो दिखाऊंगा आपको। ताली बजा के भगवान के सामने हंसने जुड़ा, कहते हैं जो वृंदावन में हंसे घर दरबार में। इसमें कितना है? 500 किलो सोना, 500 किलो, ये 25 किलो सोना है यहाँ पर। आप किस्सा बताना चाहेंगे क्या हुआ? जो गाइड हमें अभी मिला था ना, तो लास्ट टाइम हम उसके साथ गए थे, तो उस एक ऐसे मतलब टेम्पल में लेके गए थे वो हमें, जिसमें वो अलग तरह के ना वो पैकेजेस थे डोनेशन के, जैसे 35,000 का, 30,000 का। तो मैं तो मान गई थी कि मुझे लगा कि सही में उन्होंने कहा था कि पत्थर पे अगर आप अपने पेरेंट्स का नाम लिखवाओगे तो उनकी उम्र बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने पतिदेव से कहा, पतिदेव आप 35,000 रुपए दे दो। तो मतलब मुझे तभी भी विश्वास नहीं हुआ था कि भगवान जी के नाम पर लोग वो करते हैं। ऐसा है जी, मैंने उसको जाते ही बोला, मैंने कहा वो वाले मंदिर मत ले जाइए जहाँ पर तू पिछली बार वो मांग रहा था। उसको याद आ गया कि हम इसी के साथ जो है पिछली बार हम घूमे थे, तो ये हमें छोड़ के ऐसा भागा, ऐसा गायब हुआ, गायब ही हो गया। फोन मिला रहा, फोन नहीं उठा रहा, फोन काट रहा हमारा। तो उसकी कहानी मैं बताऊंगा आपको किस्सा पूरा। कौन सी आइसक्रीम? नहीं मेरे को नहीं खानी। खा ले थोड़ी। नहीं। आप कौन सी खाओगे? पेट भर गया, कोई एक चम्मच वाली खा लेंगे। आप कौन सी खाओगे आइसक्रीम? चाय पी ली। मम्मी से ले लूंगा थोड़ी। कौन सी? कुल्फी ले लो। कुल्फी। मम्मी पापा का प्यार है शुरू से ही, क्या करते हैं एक आइसक्रीम लेते हैं और दोनों मिलके खाते हैं, तो यहाँ पर पैसे की बचत भी हो जाती है और प्यार भी हो जाता है। मैं भी आपके साथ एक प्लेट में खाती हूँ, अगर मैं खाती है। ऐसा किसने बोला है? आपने बोला है नहीं कभी? आपने बोला मेरी फैमिली से कि बोला है? बोला है। उनको पता है भाई मैं ऐसे प्यार करता हूँ सबको, सब लोग बोलो हाँ कमेंट में, हाँ 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 बोलो, हाँ हाँ हाँ। नहीं वृंदावन जब हम जा रहे थे तब हमने पतिदेव को उनके ऑफिस से उठाया था, उठा लिया था, किडनैप कर लिया उठाया था, मतलब किडनैप कर लिया था इस लड़की ने, किडनैप कर लिया था। लेकिन अब हम वापस आ रहे हैं तो पतिदेव ने अपनी कार ले ली है और मम्मी पापा अलग कार में जा रहे हैं। आधे रास्ते हम तो चारों साथ आए थे बट अभी हम दोनों अलग अलग जा रहे हैं। अच्छा एक चीज ना मेरे को आपसे डिस्कस करनी है, एक बात बताओ कि भाई जब हम मथुरा वृंदावन या इस तरीके के तीर्थ स्थल में चलते हैं तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, आपने कभी किसी आपके किसी रिलेटिव ने एक्सपीरियंस किया है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई हो या धर्म के नाम पे पैसा लूटा हो? अगर ऐसा कुछ होना तो हमें बताना, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से याद है जब हम लास्ट गए थे इस बार उस गाइड का वीडियो लिया और उसके बाद ऐसा गायब हुआ, वो बंदा मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। चलो उसका वीडियो तो थोड़ा बहुत आ गया, बट वो एक ऐसे मंदिर ले गया था, नंद, क्या नाम था, नंद महल ऐसा कुछ मंदिर था, ठीक है, मंदिर में ले गया और कहता है कि आज यशोदा माता का बर्थडे है और ये जो एरिया है ना इसमें कृष्ण भगवान डांस करते थे, नहीं खेलते थे, तो ये भावुक हो गई, एक्चुअली खेलते थे। कहते आप कितने 38,000 रुपए का वो कराओ, पूजा कराओ, पूजा कराओ अपने पेरेंट्स के लिए। अब देखो दो चीजें हो गई, एक तो पेरेंट्स का नाम ले लिया तो बंदे इमोशनल वैसे हो जाते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि आपको दूसरा ना लाइफ टाइम आपको प्रसाद मिलेगा। मैं कह रहा हूँ चलो अच्छी बात है ऐसा होता होगा। तो फिर जब मैंने आज उससे पूछा, मैंने कहा भाई वो वाले मंदिर मत ले जाइए गलती से भी, तो पता क्या कहता है? कहता है अरे बाबू जी उस मंदिर की वजह से तो हम जैसे ब्राह्मणों का घर चलता है। तो मतलब समझ रहे हो आप कि उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमीशन होगा उसके अंदर। तो भाई देखो श्रद्धा होती है दिल से लेकिन जानबूझ के। अच्छा मैंने उस बंदे को ये भी बोला कि मैं अभी पैसे नहीं लाया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। पता क्या करा है? कह रहा है कार्ड स्वाइप करा लो, गूगल पे कर लो, पेटीएम कर लो, फोन पे कर लो, सब चीज अलाउड है, सब चीज है हमारे पास। मैंने कहा भाई यार ये कौन सी बात हो गई, मेरा तो भरोसा ही उठ गया, मैं तो सोचा भी नहीं था कि भगवान जी के नाम पर कोई ऐसे पैसे भी कमा सकता है। अच्छा तू तो ये लास्ट टाइम तो मान गई थी ना कि ये सच्चाई है? हाँ लास्ट टाइम मुझे लग रहा था कि सही में मम्मी पापा की उम्र लंबी हो जाती दान करने से,
वैसे दान करो अपने मन से करो हाँ। लेकिन जिस तरीके से वो फोर्स कर रहा था, नहीं आप कराओ, तो मेरे को शक हो गया था, तो मैंने कराया नहीं। पतिदेव ने पैसे बचवा लिए। बहुत तेज हो रहा है। धर्म पहुंच चुके हैं और पतिदेव तो आते ही रीड करने लग गए हैं। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नहा लूं, है ना पतिदेव? इतना कंसंट्रेशन से क्या रीड कर रहे हो आप, जो आप मेरी बात नहीं सुन रहे ध्यान से। हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा वृंदावन का, बहुत ही ज्यादा मस्त। बस गर्मी थोड़ी बहुत ज्यादा, मतलब गर्मी ज्यादा थी, गर्मी एक्चुअल में बहुत ज्यादा थी, मानते हैं गर्मी बहुत ज्यादा थी इसलिए हम थक गए। बट हमारा बहुत अच्छा ट्रिप रहा। हमने बांके बिहारी मंदिर के भी दर्शन किए, हमने शेरावाली माता के भी दर्शन किए, और हमने नीम करौरी मंदिर भी हम गए थे। नीम करौरी बाबा जी का एक मंदिर है। अब हम दोनों करेंगे रेस्ट, क्योंकि कल पतिदेव को जाना है ऑफिस और मेरी है क्लासेस। तो खत्म करने से पहले पतिदेव एक सेकंड आप जरा हमारे व्यूअर्स को अपनी प्यारी सी स्माइल दिखा दो। खत्म करने से पहले एक बार मुस्कुरा दीजिए, जल्दी मिलते हैं।